and a particular hostel, Mansarovar, for that, which I've just gone past ever since it was constructed. It's the very first occasion that I'm entering Mansarovar ever since it was made. I'm aware of its existence. We've had occasions for going to a few hostels of Delhi University as a group of people where we have been received well. But this is the first occasion I'm coming myself alone to meet a group of young people. While the introductory phase was on, there were a few thoughts that came to me. In the introduction, there was a talk about my being associated with open source drug discovery for the CSIR. Yes, I'm in a different situation in my life now, so much so that Keshav threatened me or warned me when he was escorting me to the common room here. So, teesri manzil pe hai. I was forewarned of my age. I hope you understand that. So, I'm prepared to accept it. You have to accept it. So, but I'm short of hands. Keshav also offered, sir, that means you are leaving your huge British built bungalow in about 15 days. Can I come and help? I said, saman aur kaun uthayega bhai? Hamare bahut acche vakta hain. Aaj ka to vishay mere ko pata hai. The Wandering Monk. Kya title diya maine? The Wandering Monk. Wandering and wondering. एक तीसरी मंजिल से एक कहानी से शुरू कर देता हूँ ताकि आपको पता चले मैं शायद इस सब्जेक्ट में ना बोलूं। तो किसने कहा कि टॉपिक को बोलना है? क्या बात कर रहे हैं? वो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने टॉक दिया कि द प्रॉब्लम द थ्योरम व्हिच नोबडी हैज सॉल्वड आई हैव सॉल्वड इन 100 इयर्स नोबडी सॉल्वड. पता नहीं कौन सा फर्मेट्स थ्योरम था, यहाँ मैथ्स वाले होंगे बताएंगे हमें, भाई हमें तो इतना ज्ञान नहीं है. तो वहां गए, सारा मीडिया था, सब खड़े थे. यहाँ मीडिया नहीं है, सब खड़े थे, कैमरा वैमरा. एक घंटे भाषण दिया, उन्होंने फॉर्मेट थ्योरम का जिक्र भी नहीं किया. तो लोगों ने पूछा, अरे आपने कहा था मैं तो आविष्कार किया, उसको मैं अनाउंस करने वाला हूँ. हु टोल्ड यू दैट आई शुड टॉक ऑन द सब्जेक्ट दैट आई अनाउंस्ड? आई पुट द टाइटल बिकॉज इफ आई हैड यू नो माय एयरक्राफ्ट हैड क्रैश्ड मिड एयर, एवरीबडी वुड हैव सेड या मर गया यार, उसने सॉल्व कर दिया था, दुनिया को बताने से पहले मर गया. छोड़ो यार, हम वॉन्डरिंग मॉन्क माने स्वामी विवेकानंद पे चर्चा करना चाहते हैं. कई मुद्दे हैं, तो मेरे पास हाथ नहीं है काम करने के लिए. आई होप यू अंडरस्टैंड. आई हैव टू क्रिएट न्यू एंटिटीज, न्यू मॉलिक्यूल्स विच मे बी हेल्पफुल इन क्योरिंग ट्यूबरकुलोसिस स्काउर्ड इन दिस कंट्री. आई नीड मोर हैंड्स. आई हैव अ पैन इंडिया कैरेक्टर. आई शुड बी ऑल ओवर द प्लेस. Why not? That's what exactly Vivekananda did. The man who lived barely to 39 and a half years here. I don't get stuck to this mic and to this, you know. No. Usually I'm with my audience with a collar mic. Do you have a collar mic? Nahi na. So I walk around and talk, because soon enough I hope you'll hear. Yes, there are groups where I talk on such topics every week. I hope some of you can come and join these groups. Ramakrishna Mission is a Vivekananda Youth Forum every Sunday at 3 to 4:30. Last 4.5 years, and there about 30 odd people come. अब थोड़ी सी परेशानी हो गई. अब वो आ रहे हैं जो IAS की तैयारी कर रहे हैं. लाइब्रेरी में बड़ी अच्छी सुविधा है, तो 500 रुपए में एक सीट भी मिल जाती है, अच्छी ट्यूबलाइट जल रही है और खाने के लिए भी साफ जगह है सुथरी. तो बहुत बच्चे उसमें आ रहे हैं, पर उत्सुक लोग भी आ रहे हैं. विश्व युवक केंद्र चाणक्यपुरी ऑर्गेनाइजेस प्रोग्राम, विवेकानंद केंद्र ऑर्गेनाइजेस द प्रोग्राम. या सुनो यार, ये नरेंद्रनाथ दत्त एक स्वामी जी बने कैसे? अब मैंने थोड़ी भाषण देना, इन्होंने कहा दिस विल बी फॉलोड बाय एन इंटरेक्शन. अरे यार, इंटरेक्शन हम ही कर लो. किसने कहा मेरा वक्तव्य खत्म होने के बाद इंटरेक्शन होना है? यू आर अलाउड. आई पुट ए क्वेश्चन. उस दिन मैं संडे वाले दिन कुछ टाइलें लेके जा रहा था, मेरे को पता नहीं कितना वजन है. कुछ स्टूडेंट्स ने उठा के रखा, वहां दूसरी तरफ 30 किलोमीटर दूर गया तो कोई भी नहीं था, मेरे को उठाना पड़ा पसीने से. तर स्कूटर वाला पूछता, रामकृष्ण मिशन के अंदर 140 रुपए दूंगा? मैं कहा ठीक है, दे दूंगा भाई. ये जगह क्या है? ये विवेकानंद कौन है? और जिनकी मूर्ति बनी हुई है ना, क्या नाम, रामकृष्ण, क्या नाम, परमहंस, उनका और इनका क्या संबंध? ऑटो वाला पूछ रहा है.
तो मैं कह रहा इतना बढ़िया ऑडियंस मेरे को मिल गया पौना घंटे के लिए, मैं तो तैयार हूँ। इतने सुनो यार, उसका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, साधारण लड़का था, नहीं असाधारण लड़का, अच्छी फैमिली से था। अब चलो बचपन को तो छोड़ दो यार, ये जरा एज ग्रुप एवरेज यहाँ जरा ज्यादा है तो उनका बचपन को छोड़ देते हैं। 1863, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, इनफैक्ट व्हेन आई गिव अ टॉक एनीवेयर आई लाइक टू बी लेजरली, सो आई लाइक टू नो हूम आई एम टॉकिंग टू, व्हाट्स देयर लार्जेस्ट ग्रुप, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम, बट समबडी वांट्स टू गेट अप एंड आस्क अ क्वेश्चन और मेक अ कमेंट एंड और इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और हरसेल्फ, आई एम प्रिपेयर टू लिसन, देयर इज नो नीड फॉर कंप्लीटिंग अ सिलेबस। चर्चा के मुद्दे उठे, मैं उठा लेता हूँ। हाउ डिड यू बिकम अ मॉन्क, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से कोई साधु बनने वाले आप में से? मेरे एक छात्र है रामकृष्ण, मैथमेटिक्स उसने एमए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सेंट स्टीफन्स। एक दिन आए मिलने, सर मैं आपको मिलना चाहता हूँ। गेरुआ वस्त्र, नाम थोड़ा सा बदल गया, स्वामी समर्पणानंद। अभी मेरे साथ 4-1.5 साल से एक युवक नहीं कह सकता मैं, अबाउट 30-35, मेरे और उनसे पूछी नहीं, इज हाईली क्वालिफाइड आईटी मैन, 8-10-12 साल फॉरेन में लॉस एंजलिस कहीं रहे। जब मैंने देखा उन्होंने सफेद वस्त्र धारण थे, ब्रह्मचारी, ही स्पोक गुड इंग्लिश, his Hindi seems to be a little South Indian accent, but I have not asked him from where he has come. We sit together side by side, मेरे को शर्म आती है, स्वेटर पहन रखा है, कोट भी है, टाई भी है, टोपी भी है, स्कार्फ भी है, ठंड लग रही है मेरे को। और जहाँ मैं रहता हूँ अभी, कई साल से रह रहा हूँ, वहाँ ठंड ज़्यादा है घर के अंदर, ऐसा कहता हूँ। और ये, whether it is summer or winter, last Sunday, this gentleman sitting with me, same kurta, same dhoti, which he had worn in summer. और खिंचोड़ नहीं रहे हैं, अच्छा दिखावा होगा, आपको इंप्रेस करने के लिए कर रहे हैं, सारी दुनिया करती है, क्या गलती है इसमें? एक दिन, सिर्फ एक दिन उनके मुंह से अकस्मात निकल गया, कभी बोलते नहीं अपने बारे में, ये देखो जिस तरह मैं चौकड़ी मार के बैठा हूं, आज के बहुत सारे युवक युवतियां, सर नीचे जमीन पे नहीं बैठ सकता, सर मेरा छात्र शायद आता अभी, वो चौकड़ी मार के तो छोड़ो यार, क्या कहते हैं उसको, पद्मासन, दोनों उनके घुटने जमीन पे लगे हुए हैं पद्मासन में, कहते हैं एक बार ही बैठ गया हूं ना, जब तक हमारा मीटिंग खत्म नहीं होगा इस आसन से हिलूंगा नहीं, हिलते डुलते नहीं है। अच्छा, कोई मैं काल्पनिक व्यक्ति की चर्चा कर रहा हूं? भाई मैं तो विज्ञान का छात्र हूं, निहत्ता हूं इस सब्जेक्ट में, मेरे को क्या पता, मैं तो देख रहा हूं मेरे साथ बैठे हैं। अरे यार, अब गेरुआ वस्त्र पहन लिया हूं, इस बिकम अ स्वामी जी, आई थॉट आई शुड ब्रिंग हिम विद मी, but then there are rules, if I had to bring him with me, I must have the permission of the head of the institution, because he is not the head, he is an ordinary Swamiji, he runs the library, go to the Ramakrishna mission any day, he is not there to impress you, he is running the whole library and the library looks thick and span. What's special about this man? He is not advertising himself, it is very clear that he has given up the world after living in America for that many years. He's here. The other day he said, मैं एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ और अगले संडे आएंगे ना, मैं कहाँ आऊँगा, इवन टू हिमालय, इसी वस्त्र उस जगह जहाँ कोई पक्षी कुछ नहीं जाता, वहाँ रह के 4-5 दिन ध्यान करके आए। Is it a hypothetical story I'm telling you? No, this is, you cannot check. Come any Sunday, go any working day, 7 days a week, with the Ramakrishna mission, the person who is running the library, Vinay Maharaj, see him. Whether he has put on an overcoat or a tie or a jacket or what, he doesn't need it. That means we are talking about a science about which we know very little.
I didn't want to digress on this topic. If somebody is interested, please ask me questions of things which I have seen in the recent past, all of us have read, and we don't give much credence to it. I just make a drop a name here, so you ask me a question. Dr. W. Selvamurthy, one of the three close trio of Abdul Kalam. Abdul Kalam ji ke doctor hain aur dost hain. Dekhne mein se itne se patle, you won't be impressed by his look. Kya naam? Dr. Abdul Selvamurthy. आपने डीडी में प्रोग्राम देखा होगा इनका, ये गुजरात से कोई व्यक्ति आए जिन्होंने कहा मैंने 12 साल की उम्र से कुछ नहीं खाया. Who is going to believe it? Any student of science is going to believe it? अरे छोड़ो यार, कैसे हो सकता है? एक मिनट ऑक्सीजन या ग्लूकोज ब्रेन में ना जाए, खत्म. तो इनको एम्स में कमरे के अंदर बंद रखा गया with closed circuit TV cameras and junior doctors under Dr. Srebri Selvamurthy. Selvamurthy came to DD, Doordarshan, and I don't want to digress, we'll go to our main topic. He said, मैंने एक महीना देखा, इस आदमी ने कोई solid food नहीं खाया. हाँ, सुबह उठ के इतना सा पानी सिप करते हैं. कहीं, he doesn't do any action, he just lies in bed. Sometimes he walks in that small room. So expenditure of energy is very, very small. He doesn't pass anything out. खाए नहीं तो फिर जाएगा क्या? पूरा recorded है, पूरा एक महीना. कैसे संभव हो सकता है? छोड़ो यार, कहाँ की बातें? कैसे बने स्वामी जी विवेकानंद? कहानी सब जानते हैं क्या? वॉट वर इज वॉन्डरिंग्स? आई सेड वन वॉन्डरिंग एंड वॉन्डरिंग एट द सेम टाइम. द जर्मन फिलोसोफर पोएट, हिज फ्रेज, द वॉन्डर यारे.